डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। यहाँ पर जो टॉपर की आंसर शीट है वो मैं शो कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में उस टॉपर के टोटल मार्क्स जो 500 में से उसने गेन किए हैं 500 में से, वो मैंने शो कर दिया है। साथ ही साथ उस टॉपर का नाम भी शो कर दिया है और इस शीट में आप उसका रोल नंबर भी देख पा रहे हैं। 2019 की शीट है ये, 2019 की आंसर शीट है ये। वीडियो को अगर आपको स्पीड में ज़्यादा लगती है वीडियो की स्पीड, तो आप अपने वीडियो को पॉज करें, आराम से इसको देखें, उसके बाद आगे मूव करें और वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें। मैंने वीडियो इस तरह से बनाया कि हर पेज आपको एक बार में दिखाई दे, और वीडियो को क्वालिटी को HD में देखें, HD में सेलेक्ट कर लें। अगर आपको वीडियो क्वालिटी HD में सेलेक्ट नहीं करनी आती है तो उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ये स्टूडेंट वो है जो आपके स्टेट में टॉप आया है, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, स्टेट का टॉपर है। फर्स्ट रैंक है इसकी, मेरिट में फर्स्ट पोजीशन है। उस स्टूडेंट की ये आंसर शीट आपको प्रोवाइड की गई है। इस आंसर शीट को देखने से पहले अगर आपने इसके क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें, ताकि ये आंसर शीट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसके क्वेश्चन पेपर को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने आपके बोर्ड के क्लास के हिसाब से प्लेलिस्ट बना रखी है क्वेश्चन पेपर्स की, तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसमें आप क्वेश्चन इस माँ आप जो शीट देख रहे हैं आपके सामने, जो शीट है टॉपर की, इसमें कहीं कहीं वाइट कलर से कुछ नंबर मिटाए गए हैं। एक्चुअली ये बोर्ड की पॉलिसी है कि नंबर किसी बाहर आदमी को, किसी दूसरे आदमी को शो नहीं किया जाता, इसीलिए मैंने टोटल नंबर हैं इसीलिए इस आंसर शीट पे मेंशन कर दिया है। तो ये जो वाइट मार्क्स हैं ये नंबर मिटाए गए हैं, तो वो आप वो देख पा रहे होंगे। और आपको मैं और बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट की आंसर शीट, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी के सभी आंसर शीट हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए टॉपर्स की एक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना दी है और उसमें उसको डाल दिया है, तो आप वहाँ से सभी सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की आंसर शीट देख सकते हैं डायरेक्ट जा करके। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी लिंक ले सकते हैं। जिस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर की लिंक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसी तरह से आपके बोर्ड के जो आंसर शीट्स हैं इनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप इसको आराम से देख लें। वीडियो की स्पीड मैंने पहले बता दिया, अगर ज़्यादा लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इस जो आपने आंसर शीट अभी तक देखी, तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आंसर शीट देखने के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स एग्जामिनर को केवल समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर उसके बाद मार्क्स पूरे दे देता है। यानी कि आप जो लिख रहे हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है लेकिन इतनी ठीक है कि एग्जामिनर समझ पाए आसानी से, तो एग्जामिनर आपको आसानी से अच्छे मार्क्स दे देता है। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप कैसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए, जो साफ साफ दिखाई दे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उससे एक्स्ट्रा ना लिखें। कभी भी क्वेश्चन में जितना पूछा गया उससे एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर के पास में हर कॉपी चेक करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि वो जितने ज़्यादा कॉपीज चेक करेगा उसको पर कॉपी पैसे मिलते हैं। तो आप अगर उसको इरीटेट करेंगे, आप उसको परेशान करेंगे, तो वो आपके मार्क्स काट देता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ही जो बोर्ड की कॉपीज चेक करते हैं वो रहते हैं, तो उनसे मैंने ये पता किया था। तो आपकी राइटिंग कैसे भी हो चलेगी, लेकिन एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ मेंशन होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में सेक्शन है तो सेक्शन भी मेंशन कर दें कि आपका क्वेश्चन जो है वो कौन से सेक्शन से है, सेक्शन ABCD। अगर सेक्शन वाइज आते हैं क्वेश्चन कभी, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं।
बढ़िया से लिखें उत्तर, साफ साफ लिखें, पॉइंट पॉइंट वाइज, अगर पॉइंट वाइज उत्तर है तो पॉइंट वाइज उत्तर लिखें, डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, और आपको डिफरेंस बताना हो तो टेबल के थ्रू डिफरेंस बता दिया करें। अब आती है बात वीडियो को साफ देखने की, तो वीडियो को साफ देखने का तरीका ये होता है, जैसे ही आप कोई वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब पे, तो वो वीडियो प्ले हो जाता है तो उस वीडियो पे एक बार टैप करिए, चाहे उसको फुल स्क्रीन में रखिए या फिर वहीं पे टैप करिए, वीडियो पे चलते हुए वीडियो पे एक बार उंगली से टैप करिए और देखेंगे आपको ऊपर के जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे तीन डॉट दिखाई देंगे छोटे छोटे। राइट कॉर्नर में वीडियो के चार कोने होते हैं, चार कोने में ऊपर का जो राइट कोना है वहाँ पे तीन डॉट, एक के नीचे एक, तीन डॉट दिखाई देंगे। उस डॉट पे क्लिक करिए, एक छोटा सा विंडो खुलेगा, उस विंडो को खुलने पे आपको एक क्वालिटी नाम का ऑप्शन दिखाएगा, बस सिंपल क्वालिटी नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, 144, 240, 360, 480, आपके मोबाइल के ऊपर है, आपका मोबाइल कौन से क्वालिटी को सेलेक्ट कर सपोर्ट करता है तो उस हिसाब से आपको मिलेगी, तो आप उन क्वालिटीज़ को सेलेक्ट करें और आराम से आप क्वेश्चन पेपर वहाँ पर जो क्वालिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे मतलब हाई, उतनी अच्छी वीडियो आपको साफ दिखाई देगी। मेरा सजेशन रहेगा आपको हमेशा 480p कम से कम सेलेक्ट करें, 480p बेटर क्वालिटी देता है, नेट की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए वीडियो को चलने के लिए। साथ ही साथ आपको सप्लीमेंट्री की अगर ज़रूरत होती है